हरनाई से आरिफ तरीन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 3 रोज़ा साइंसी नुमाइश का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सरदार मोहम्मद रफीक तरीन ने किया। इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल मोहम्मद आसिफ, सरकारी व निजी स्कूलों के प्रिंसिपल, असातिज़ा कराम और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर हरनाई सरदार मोहम्मद रफीक तरीन ने साइंसी नुमाइश का जायजा भी लिया, जहां तलबा की तैयार करदा मुख्तलिफ साइंसी प्रोजेक्ट की रोनुमाई की गई थी। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हरनाई के तलबा का टैलेंट देखकर बड़ी खुशी हुई और तलबा की कारकर्दगी की तारीफ की। उन्होंने इतनी मेहनत और दिलचस्पी से नुमाइश में हिस्सा लिया, बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार किए, जिससे तलबा के साइंसी इल्म में इजाफा और छुपी हुई सलाहियतें उभर कर सामने आती हैं। हरनाई से आरिफ तरीन, मलेरिया के तदारक, रोकथाम और मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए हरनाई में मच्छर मार स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। महकमा सेहत PPHI के ज़ेरे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट मैनेजर दाऊद खान काकड़ ने मच्छर मार स्प्रे का इफ्तिताह किया। हेडक्वार्टर, अस्पताल, गोश्त मार्केट और दीगर मकामात पर मच्छर मार स्प्रे मुहिम के आगाज़ के मौके पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मलेरिया और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए तमाम तर इकदाम पर अमल दरामद किया जा रहा है। शहर के तमाम मोहल्लों में मच्छर मार स्प्रे किए जाएंगे। उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया, मच्छर मार स्प्रे के दौरान अपने खाने पीने की अशिया को ढांप कर रखें। दक्की से मोहम्मद अली सरकोन से, कायद स्कूल दक्की की कारकर्दगी काबिल तहसीन है, कलील मुद्दत में बहुत बड़ा नाम कमाया। अमीर जमात इस्लामी जिला दक्की फजल रहमान तरीन, पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन आज़ाद के मरकजी डिप्टी ऑर्गेनाइजर मोहम्मद अली सरकोन, अवामी नेशनल पार्टी सिटी सदर सरवर सरकोन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली जान तरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमा पीरजादा सैयद अब्दुल कुद्दूस और दीगर ने कहा, कायद स्कूल की कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं, बल्कि बहुत ही कलील मुद्दत में कायद स्कूल ने बहुत बड़ा नाम कमाया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ BRC और कैडेट कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट के लिए बलोचिस्तान के तमाम अजला के स्कूलों से जहीन और होनहार तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए। हमारे ज़िला दक्की के कायद स्कूल के तलबा भी इस दौड़ में शामिल थे, जो सब पर हावी रहे। कायद स्कूल के तलबा ने ज़िला दक्की का नाम सूबाई लेवल पर रोशन किया, जिसमें रहमतुल्ला वल्द फखरुद्दीन नासिर ने 95.5 नंबर लेकर BRC जूब को सूबाई सतह पर टॉप किया। रहमतुल्ला वल्द हबीबुल्ला तरीन ने कैडेट कॉलेज नौशकी में 92 नंबर लेकर सूबे में पहली पोजीशन हासिल की। इसी तरह अब्दुल्ला वल्द गुलजार खान लोनी और मोहम्मद बिलाल वल्द अब्दुल गनी नासर ने BRC लोरालाई में सीटें हासिल कीं। अताउर रहमान वल्द मौलवी अब्दुल रजाक रोटी ने BRC खजदार में कायद स्कूल से ज़िला दक्की में पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुआ। कैडेट कॉलेज पशीन, कैडेट कॉलेज अवारान, कैडेट बंजगौर और BRC तुर्बत के एंट्री टेस्ट में भी बाजी लेकर कामयाब हुए। बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं रही, बल्कि कायद स्कूल के तलबा ने अलीगढ़ कॉलेज लाहौर के एंट्री टेस्ट में भी सूबाई सतह पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशंस हासिल की, जो ज़िला दक्की के लिए एक आज़ाद से कम नहीं। ज़िला दक्की में कायद स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसका ज़िला दक्की में कोई सानी नहीं। कायद स्कूल की बुनियाद चंद साल पहले हाशिम फिरोज़ी ने रखी। यकीनन हाशिम फिरोज़ी की ज़िला दक्की के लिए तालीमी मैदान में बहुत सी खिदमात हैं, जो तलबा को तराशने में बहुत मुफीद साबित हुई हैं। मैं जमात इस्लामी की तरफ से हाशिम फिरोज़ी, अमान तरीन और उनकी मुकम्मल टीम और तलबा को इस शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करता हूँ और तलबा के वालदेन को भी मुबारकबाद देता हूँ।